Good morning, students. Let's start our next math class. In last class, we have done up to question number 11. So let's start from question number 12. So question number 12 is simplify. हमें इसको सिंपलीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर आंसर बताना है. आप देख रहे होंगे टू नंबर्स हमारे पास प्लस में हैं एंड वन नंबर हमारा माइनस में है. इसमें हमें पहले हम नंबर्स को प्लस करते हैं, देन आफ्टर माइनस करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें. आंसर 12 A part 2146 plus 239 minus 1346. जैसे मैंने आपको बताया है, हम पहले जो प्लस वाले नंबर्स हैं, जो आपस में प्लस हैं, उनको हम प्लस कर देंगे. नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब वो प्लस नंबर है. तो इन दोनों को हम पहले प्लस करेंगे, फिर जो हमारा आंसर आता है उसको हम उसमें से हम इस नंबर को माइनस करेंगे. अगर मैं 2146 में 239 को प्लस करती हूं तो मुझे मिलता है 2385. अब इसमें से मुझे ये वाला नंबर माइनस करना है. पहले हमें प्लस के दोनों को प्लस कर लेना है, फिर ये वाला नंबर उसमें से हमें माइनस करना है. फाइव में से सिक्स माइनस नहीं होगा, हमने इससे कैरी लिया है, तो यहां पर हमारा सेवन रह गया है. तो हमारा नंबर आएगा 1039. क्लियर स्टूडेंट? तो हमें 12 के सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं. इसमें हमें एक ही नंबर दिया है, फिर दो नंबर हमें माइनस में दिए हैं. तो पहले हम इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम ये माइनस कर लेंगे. इसमें हमें 1, 2, 3 नंबर हमें प्लस में दिए हैं. पहले हम इन तीनों को 1, 2 एंड 3 इन तीनों को हम प्लस करेंगे, फिर जो आता है उसमें से हम ये वाला नंबर माइनस कर देंगे. डी पार्ट में 1, 2 नंबर्स हमारे प्लस में हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, फिर हम इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे, फिर जो आता है उसमें से हम ये नंबर माइनस करेंगे. क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में लिखना है हमें ये नंबर. फ्रैक्शन नंबर आपको पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है. 7, 8 इसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, सेकंड नंबर होता है डिनोमिनेटर होता है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आंसर 13 ए पार्ट. सेवन एट न्यूमिरेटर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर नीचे जाएगा. जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो हमारा ऊपर रहेगा, वो न्यूमिरेटर होता है, पीछे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है. तो ये हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है. आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इजीली कर लेंगे आप लोग. सेवन जो होता है न्यूमरेटर होता है, एट है वो हमारा डिनोमिनेटर है. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. सी पार्ट 1/9. फ्रैक्शन में हम कभी भी 1/9 नहीं बोलेंगे, पीछे इसमें टीएच आता है. आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट होगा वो हमारा ऑलवेज ग्रेटर होता है,
डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर, तभी वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर ये अपोजिट हो जाए कि हमारा डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, तो हम उसे कहेंगे ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो भी हम आगे देखेंगे। तो 1/9 है, इट मीन्स 1 न्यूमरेटर है और 9 डिनोमिनेटर है। क्लियर स्टूडेंट? हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि हम यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। अब यहां पर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट्स सी। ए पार्ट 28/5, देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, हम 5 हमारा 28 में कितने टाइम्स आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा होल नंबर, कि 5 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है। उसके बाद हमारा कुछ पार्ट रह जाता है, बच जाता है, तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम इसको करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे 28 को। 5 की टेबल में 28 नहीं आता है, इसके नियर बाय आएगा 5 5 ज़ा 25, माइनस करेंगे रिमाइंडर आएगा 3। तो 5 टाइम्स 5 इसमें होल नंबर पे आया है, तो इस 5 को हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 5 हमारा होल नंबर आया है 28 में, 5 टाइम्स कंप्लीट आएगा 5, बट ये 3 नंबर्स हमारे बच गए हैं, इसे हम ऊपर लिखते हैं। और नीचे हमारा 5 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे। ये हमारा इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमने ठीक लिखा है, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड उसमें हम प्लस 3 करेंगे। तो हम देखते हैं क्या आया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28, एंड इसके नीचे हमारा 5 रहेगा। तो अगेन हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें सबसे पहले देखना है कि इस 28 में 5 होल नंबर में कितने टाइम्स आ सकते हैं, वो हमारा आएगा सिर्फ 5 टाइम्स, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, हमारा रिमाइंडर रह गया 3। तो 5 जो होल नंबर है हम आगे लिखेंगे, एंड रिमाइंडर जो है हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमारा बेस जो डिनोमिनेटर में था वही यहाँ पर आएगा। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है या नहीं, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम प्लस करते हैं 3, और हमारा डिनोमिनेटर पर सेम नंबर रहेगा। तो हमने 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 3 प्लस कर दिया है, तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28 बाय 5, तो ये हमारा वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। डी पार्ट है 63/10। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगेन मैं 10 से डिवाइड करूंगी कि 63 में हमारा 10 कितनी बार आता है, होल नंबर 10 6 ज़ा 16, यानी कि 6 टाइम्स 10 आएगा 63 में, एंड रिमाइंडर रह जाएगा हमारा 3।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सिक्स टाइम्स तो ये होल नंबर पे आ रहे हैं एंड थ्री हमारा रिमाइंडर है और डिनोमिनेटर हमारा 10 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दिस साइन। ये साइन आपको पता है, जिस साइड ये वाला इसका जो मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर होता है और इसके अपोजिट साइड जिस साइड इसका माउथ क्लोज है वहां पर हमारा लेसर नंबर होता है। तो हमें फ्रैक्शंस में कैसे पता चलेगा, हमारा अगर बेस सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर से पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। बेस सेम है तो इसमें न्यूमरेटर में जो भी नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटर नंबर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आंसर 15 है ए पार्ट, 7/15 एंड 2/15। अब आपको पता है 7 बड़ा है तो हम इस साइड इसका साइन लगाएंगे, क्योंकि माउथ ओपन वाला साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की साइड होता है और माउथ क्लोज वाला साइन हमेशा लेसर नंबर की साइड होता है। इसका एक और पार्ट देखते हैं हम। इलेवन बाय थर्टीन और 9/13, इसमें हमारा बेस सेम है, न्यूमिनेटर देखो ये नंबर बड़ा है तो हमारा साइन इस साइड आएगा। क्लियर स्टूडेंट? कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बेस डिफरेंट होता है, यानी हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहां 7 है यहां पर 9 है, तो हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, उसमें हम अपना बेस सेम कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये डी पार्ट में आपको करके दिखाती हूं। बेस हमारा अलग अलग है, अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर ले, इस नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको क्रॉस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 6/7 को 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 8/9 को 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो सेम आ जाए। तो हमारा आ गया 54/63, यहां पर आया हमारा 56/63, तो अब हमारा बेस सेम आ गया है। आप देख सकते हैं, अब आप इजीली इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है और हम उसकी साइड साइन पुट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? अगर बेस अलग अलग है तो आप इनको नीचे वाले नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपने इस वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इस वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया है, अब हमारा उससे क्या हुआ है, बेस सेम हो गया है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज सिंप्लीफाई। हमें फ्रैक्शन नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करना है। ए पार्ट है 3/11 प्लस 5/11। आपको पता है बेस सेम है तो हमें जस्ट बेस कॉमन रखना है एंड 3+5 करना है, इन दोनों को न्यूमरेटर को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आएगा 8/11। सेम ये माइनस क्वेश्चन के लिए होगा जिसमें हमें माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट में भी यही करना है हमें, बेस सेम होगा जस्ट हमें न्यूमरेटर को माइनस करना है। लाइक ई क्वेश्चन हम देखते हैं, ई 17/19 माइनस 14/19, इसमें भी हमारा बेस सेम है तो बेस हमारा कॉमन है, न्यूमरेटर को सिर्फ माइनस करना है।
ये हमारा आंसर आ गया है. क्लियर स्टूडेंट? सिंपल है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही है. असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, हमारी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि असेंडिंग माय मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर. चढ़ना है हमें. जब भी हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहले सबसे छोटी स्टेप पे, फिर उससे बड़े स्टेप पे, तब हम ऊपर जाते हैं. तो ऐसे इसमें करना जो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा. न्यूमरेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर के नंबर्स देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर छोटा है. तो सबसे छोटा 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है. इस तरीके से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना आता है, मैंने आपको बता दिया. पहले छोटा नंबर हम न्यूमरेटर से देखेंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है. तो उसके अकॉर्डिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको इजीली लिखेंगे. ये आप खुद से करेंगे. नेक्स्ट भी सेम है, बेस सेम है इसका, डिनोमिनेटर सेम है. तो न्यूमरेटर को देखेंगे आप, जो सबसे छोटा होगा पहले वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन सबसे बड़ा. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको सेम ऐसे ही करना है. डिसेंडिंग का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग यानी उतरना. जब हम उतरेंगे तो पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, बड़ी वाली सीढ़ी से नीचे आएंगे, छोटी पे, फिर छोटी पे, फिर छोटी पे. ऐसे ही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है. पहले सबसे बड़े वाला नंबर आइडेंटिफाई करना है, फिर उससे छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर हम सबसे छोटा नंबर लेंगे. हमारा नीचे डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है, तो हम न्यूमरेटर से नंबर देखेंगे. न्यूमरेटर में सबसे जो छोटा नंबर होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8, और ऐसे ही डिसेंडिंग में हमें करना है. सबसे पहले हम बड़ा नंबर, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर 1. डिसेंडिंग में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना है. सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर पे आना है. सबसे बड़ा हमारा ये है, सबसे छोटा ये है, फिर बीच में ये नंबर आएंगे. सेम बी पार्ट है इसका, डिनोमिनेटर सेम है, 8 नंबर है. उसके लिए भी हमें इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आइडेंटिफाई करना है. सबसे बड़ा नंबर 7 है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा 1 है. तो डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, इसलिए हम न्यूमरेटर से नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो आई थिंक आज हम 18 क्वेश्चन ही करेंगे. जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं. आप सॉल्व करेंगे, कोई भी डाउट होगी तो डाउट हम अपने डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.